जिला बंडबिल के नाम एक और सुनहरा पन्ना जुड़ गया है। बंडबिल की किक बॉक्सिंग टीम गोवा जाकर बंडबिल का नाम रोशन करते हुए 3 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने में सक्षम हुए हैं। किक बॉक्सिंग प्रतियोगी जसवीर सिंह, सुब्रत शेट्टी और किशन सिंह स्वर्ण पदक विजेता होने के साथ साथ बिट्टू कुमार प्रसाद और आदर्श चौरसिया सिल्वर पदक एवं अमित पात्रो और यश प्रसाद ब्रॉन्ज पदक जीत कर जिला तथा बंडबिल वासी के लिए गौरव हासिल किए हैं। आज बंडबिल जन शताब्दी से जब खिलाड़ी बंडबिल रेलवे स्टेशन पहुंचे तो बंडबिल वासियों में एक खुशी का माहौल देखने को मिला। साथ ही साथ खिलाड़ियों को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। सूचना के अनुसार बंडबिल से 7 युवक गोवा में हो रहे नेशनल अर्बन गेम्स 2021 में भाग लेकर यह गौरव हासिल किए हैं। टीम के कोच अभिषेक गुप्ता ने कहा, सरकार के तरफ से अगर कोई मदद हम लोगों को मिल पाती तो आज नेशनल स्तर के खेल में भाग लेकर विजय हुए हैं। कल और आगे जाकर हम लोग इंटरनेशनल स्तर में भी ज्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं। नाम बताइए तो। मेरा नाम है अभिषेक कुमार गुप्ता, आई एम इंटरनेशनल रेफरी, नेशनल कोच बॉक्सिंग। सर, जो बच्चा लोग को बड़बिल से लेके आप गोवा तक पहुँचा है नेशनल लेवल गेम में, उसमें आपको कैसे फील हो रहा? फील तो काफ़ी बेटर और बहुत प्राउड फील होता है कि जब हमारे बड़बिल के बच्चे लोग जा कर के वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं तो बहुत मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि हम लोग एक बड़बिल से जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि बड़बिल के बच्चे लोग आज आने वाले टाइम में इंटरनेशनल लेवल में भी जा करके परफॉर्मेंस दे। तो कभी आप प्रशासन के नीचे गए, पीछे गए, पूछे कुछ? प्रशासन के नीचे तो हम लोग गए हैं और जा करके उनको बोले भी हैं कि ऐसा ऐसा हमें प्रॉब्लम है प्रैक्टिस का, इक्विपमेंट्स का, तो जितना भी बनता है तो वो लोग क्या है कि हाँ ठीक है करेंगे देंगे, उसके बाद में फिर क्या है कि अपने को मतलब कुछ सपोर्ट आज तक मिला नहीं। अगर प्रशासन से अगर सहायता मिलता तो आगे और बढ़ सकते हैं। अगर प्रशासन अगर हमें सपोर्ट देगी तो हमारे बड़बिल से बहुत अच्छे अच्छे फाइटर मिल जाएंगे और आने वाले टाइम में वो मतलब क्या है कि इंटरनेशनल लेवल में भी मेडल अचीवमेंट करके आएंगे। हमारे बड़बिल में ऐसे ऐसे फाइटर है, बस उनको खाली सपोर्ट चाहिए। अच्छा, इस गेम में आप क्या क्या जीत के आए? कि हमारे गेम में हमारे 3 बच्चे जो है वो 3 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल और आपका 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत करके आए हैं। थैंक यू अभिषेक। आपका नाम बताइए तो। मेरा नाम किशन सिंह है, मैं उड़ीसा से हूँ। आप कब से गए थे किक बॉक्सिंग खेलने के लिए? ये आपका हम लोग यहाँ से 7 को निकले थे, वहाँ पे 10, 11, 12 आपका गोवा में मेजोन लेगवे रिजॉर्ट में हम लोग गेम था, नेशनल अर्बन गेम्स गोवा। अच्छा, इसमें कौन कितना स्टेट था इसमें? आपका 12-15 स्टेट जैसे आए थे आपका यहाँ पे, जैसे कि आपका दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, आपका हर स्टेट से आए थे आपका खेलने के लिए। कितने सारे बच्चे होंगे आपका वहाँ पे? 400 से 450 पार्टिसिपेट्स थे। कोरोना के कारण थोड़ा कम आए थे, लेकिन आपका 400 आप वहाँ पार्टिसिपेट किए, आपको कैसे फील हो रहा है? बहुत अच्छा लगा। हम लोग का क्या हुआ कि ओडिशा से हम जो खेले सबका बहुत अच्छा, सब अपना बेस्ट दे करके आए वहाँ पे खेलने के लिए। आप लोग कितना ठोको गोल्ड मेडल मिला आप लोग को? 3 गोल्ड हुआ, 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। अच्छा, एक चीज़ आपसे सवाल है, आप लोग जब गए थे आपको प्रशासन कुछ सहायता किया था क्या? जी, हम उनका उतना सपोर्ट तो नहीं मिलने पाया, फिर भी हम उनका बड़बिल टाइगर बहुत सपोर्ट किया हम खेलने के लिए, वो हर बार करते हैं। वही एक तो आपका बड़बिल में ऐसा है कि जो हम उनको हर बार सपोर्ट। नहीं नहीं, मेरा कहना है आपको प्रशासन से बड़बिल प्रशासन से कुछ सहायता मिला है क्या? कभी नहीं। आप लोग कब गए थे प्रशासन के पास में? जी, हम तो हर बार ट्राई करते हैं ये करने के लिए, लेकिन कभी सपोर्ट नहीं मिला आज तक। बस वही चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब भी खेले आपका, हम लोग कभी नेशनल खेल चुके हैं, अब इंटरनेशनल की हम लोग तैयारी है, इसके बाद हम लोग इंटरनेशनल खेलना, अगर हम लोग को सपोर्ट मिलेगा तो हम इंटरनेशनल भी खेल सकते हैं। क्या दावी करते हैं सरकार से? हम सरकार से दावी करते हैं कि सबको सपोर्ट मिले, आप इंटरनेशनल के लिए सबका ये हुआ है आपका, इंटरनेशनल के लिए सबको सपोर्ट मिले और सब खेल सकते हैं। अगर आपको सपोर्ट मिलेगा तो आप इंटरनेशनल के लिए तैयार अभी चल रहा है आप लोग का? हम उनका प्रैक्टिस करने के लिए ना कोई क्लास है ना इक्विपमेंट है, अगर कुछ भी हम उनको मिले प्रैक्टिस करने के लिए, जमीन में प्रैक्टिस करते हैं, तमामी भी नहीं प्रैक्टिस करते हैं, वो मिलेगा तो हम एक क्या होगा, हम भी थोड़ा अच्छा और प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छा खेल सकते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। केंदुझर जिला बड़बिल में बार बार ये देखा जा रहा है कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं और लड़के लोग हैं, ये बार बार कुछ ना कुछ करके या खेल के मैदान में हमेशा बड़बिल का नाम रोशन कर रहे हैं। आज गोवा में 7 खिलाड़ी बड़बिल से जाकर बड़बिल के लिए 2 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज हासिल किए हैं। तो इस विषय में आइए जानते हैं टीम के जो कोच हैं मिस्टर अभिषेक गुप्ता जी से। मीडिया वाले को बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आज वो हमारे बच्चों का जो भी परफॉर्मेंस है, जो भी आज वो बहुत
मीडिया के माध्यम से बहुत आगे लेकर के जा रहे हैं और बच्चे लोगों को बहुत उत्साह बढ़ा रहे हैं और मीडिया भाइयों को मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा। और सबसे पहले तो मैं बड़बिल टाइगर जो हमारे जो हैं वो बहुत बच्चे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और आशा करता हूँ आने वाले टाइम में भी वो हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहे और हमारे बच्चे ऐसे ही मेडल अचीवमेंट करके आते रहे, यही बोल के मैं थैंक्स करना चाहूँगा। आप लोग जो खेलने के लिए गए थे वहाँ पे कितना स्टेट का खेल हुआ था? आपका लगभग 12 स्टेट वहाँ पे आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसे आपका दिल्ली हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आपका AP हो गया, ऐसे करके लगभग सारे स्टेट वहाँ पर आए थे और काफ़ी टफ परफॉर्मेंस था, फिर भी हमारे बच्चे ने वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दिए और मेडल वहाँ से अचीवमेंट किए। आशा करता हूँ आने वाले टाइम में इस पर 3 गोल्ड आए, आशा करता हूँ आने वाले टाइम में जितने बच्चे जाए सब गोल्ड मेडल लेकर आए। धन्यवाद। और हम लोग बात करेंगे जो बड़बिल से खिलाड़ी लोग गए थे उनमें से किसी से एक बात करते हैं हम लोग। अपना नाम बताएं। मेरा नाम किशन सिंह है। तुम लोग जो खेलने के लिए गए हो तो आप लोग जो जीत के आए हैं आप लोगों को कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि हम लोग का ऐसा होता है कि जीत के बाद ही हम लोग को समझ आता है कि हम लोग कितना मेहनत किए हैं, क्या किए हैं अपना स्टेट के लिए, अपने लिए, खुद के लिए। तो अगर सरकार से आप लोगों को मदद मिलेगा तो और क्या क्या कर सकते हैं? अगर सरकार से हम उनका मदद मिलेगा तो उसमें क्या होगा कि हम उनका और अच्छा प्रैक्टिस हार्ड होगा, उसके लिए हम उनका अच्छा इंटरनेशनल लेवल में खेल सकते हैं हम उनका। कि यहाँ के बच्चे लोग इतना उत्साहित है कि बोल रहे हैं कि आज नेशनल में खेल रहे हैं, कल अगर सरकार की तरफ से इनको कोई मदद मिलता है तो ये इंटरनेशनल भी खेल सकते हैं। तो सरकार से R9 भारत ये अनुरोध करता है कि इनको कुछ ना कुछ सपोर्ट किया जाए। केंदुजर बड़बिल से सजाद आलम, R9 भारत। R9 भारत के लिए सज्जाद आलम की रिपोर्ट।